हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री मोटर और मैं हूं महेंद्र सिंह और आज आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी गाड़ी जो ऑटोमेटिक्स लवर की पहली पसंद होती है। जी हां, होंडा यानी कि होंडा की सिटी। तो आइए बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंट प्रोफाइल से गाड़ी बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत है। और जो ये थर्ड जनरेशन व्हीकल है, इस व्हीकल के अंदर हेडलाइट और ग्रिल दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार और स्लिक डिज़ाइन दिया गया था, जिससे गाड़ी की खूबसूरती और भी बढ़ती है। वहीं साथ में नीचे आपको फॉग लैंप्स भी मिलने वाले हैं। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी है। अब बात करते हैं लेफ्ट प्रोफाइल की। अगर टायर साइज़ की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको मिलने वाला है 15 इंच। जी हाँ, 15 इंच का टायर मिलने वाला है। आइए देखते हैं लेफ्ट प्रोफाइल से गाड़ी को। लेफ्ट प्रोफाइल से गाड़ी बहुत ही नीट एंड क्लीन, स्क्रैचलेस गाड़ी है। गाड़ी की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इसका कलर है इस गाड़ी की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। तो आइए अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की। तो रियर से भी जैसा कि आप गाड़ी को देख सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत स्पोर्टी लुक दे रही है गाड़ी। और गाड़ी की रियर प्रोफाइल से अगर बात करते हैं तो टेल लैंप्स की जो डिज़ाइन है, बूट को देखते हुए डिज़ाइन किए गए, तो बहुत ही अच्छा और एकदम फ्लैट डिज़ाइन किया गया था। साथ ही में आपको मिलने वाला है रिवर्स कैमरा। जी हाँ, तो अब आइए बात करते हैं लेफ्ट प्रोफाइल की। लेफ्ट से भी गाड़ी एज इट इज़ जैसी राइट से है वैसी ही लेफ्ट से है, नीट एंड क्लीन और स्क्रैचलेस। तो फ्रेंड्स, एक्सटीरियर के बारे में तो मैं लगभग सब कुछ बता चुका हूँ, तो आइए अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो अब हम इंटीरियर में आ चुके हैं, आइए अब बात करते हैं इंटीरियर की। जैसा कि आप गाड़ी देख सकते हैं, अंदर से बहुत ही मिंट कंडीशन में है गाड़ी। और गाड़ी के अगर इंटीरियर की बात करते हैं, गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड ब्लैक दिया हुआ है और बाकी के ट्रिम, सीट कवर और जो भी पैनल्स हैं, डोर पैनल, सारे बेज कलर में दिए हुए हैं। गाड़ी की जैसा आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी है। इसके अंदर आपको सीवीटी गियर बॉक्स मिलने वाला है। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की। जैसा कि हम देख सकते हैं इंटीरियर में, हम बात करते हैं अगर ऑडियो प्लेयर की, तो इसके अंदर आप एक छोटा सा 8 इंच का, लेकिन काफ़ी है, सफिशेंट है, 8 इंच का टच प्लेयर मिलने वाला है। मैनुअल ऑपरेटेड एसी मिलने वाले, हीटर विथ एसी मिलने वाला है, सॉरी। और जैसा कि आप सेंटर कंसोल की अगर हम बात करते हैं, सेंटर कंसोल में भी अच्छी स्पेस है। दो ग्लास होल्डर दिए गए हैं, आगे कुछ स्टोरेज दिया गया है जहां हम कॉइन्स और हमारा वॉलेट रख सकते हैं। एक अच्छा आमरेस दिया है, आमरेस के अंदर भी काफ़ी स्पेस है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग के ऊपर हमें कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें मेरा फेवरेट जो है वो है क्रूज़। जी हाँ, क्रूज़ कंट्रोल मिलने वाला है ऑटोमेटिक के साथ। और सबसे बड़ी इस गाड़ी की विशेषता है, ऑटोमेटिक तो ये है ही, साथ में स्टीयरिंग के ऊपर हमें यहाँ पर इसमें पेडल शिफ्टर भी दिए गए हैं, जिससे हम गियर को प्लस और माइनस कर सकते हैं शहर के अंदर। अब हम पीछे की बात करते हैं। और एक ख़ास फीचर जो मैं बताना भूल गया, वो है इस गाड़ी का सनरूफ। जी हाँ, आपको ऑटोमेटिक के साथ सनरूफ भी मिलने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं पीछे की। तो अब मैं पीछे की सीट्स पर आ चुका हूँ और अब हम पीछे की बात करते हैं। तो मैं अभी तक जितनी भी सेडान्स में बैठा हूँ, लेकिन वाकई में इस गाड़ी का जो मुझे कंफर्ट पीछे जो मिल रहा है, वाकई में बहुत ही अल्टीमेट है। मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि मुझे थाई सपोर्ट और मेरा लंबा सपोर्ट में बहुत परफेक्ट फिट हो रहा हूँ मैं इसके अंदर। और गाड़ी ओवरऑल अगर बात करते हैं इंटीरियर की, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी कंडीशन में है गाड़ी। सो फ्रेंड्स, एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में तो सारी बातें हो चुकी, अब आइए बात करते हैं गाड़ी की प्राइसिंग की। तो आइए अब मैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स देता हूं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। इसके अंदर आपको 1.5 यानी कि 1500 cc का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। और अगर बात करते हैं बूट स्पेस की, तो एक बहुत ही बड़ा बूट स्पेस मिलने वाला है 506 लीटर का। जी हाँ, और बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग ईयर की, तो 2012, ऑनर सीरियल सेकेंड। और प्राइस की बात करते हैं, तो सनरूफ और ऑटोमेटिक को देखते हुए हमने इसके लिए बहुत ही छोटा सा प्राइस डिसाइड किया है। जी हाँ, 4,90,000, मात्र 4,90,000। तो फ्रेंड्स, गाड़ी तो पसंद आई ही होगी आपको और गाड़ी के साथ साथ वीडियो भी पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चल, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।